गुड मॉर्निंग ग्लोबल लिसनर्स। रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा कैसे बढ़े? विकासशील देशों, डेवलप्ड कंट्रीज को मैं इसके लिए थैंक्स कहूँगा, उन्होंने सुधार किया है, एक रेगुलेशन किया है, रेगुलेट किया है सेफ्टी को। अब हमें ध्यान देना है, डेवलपिंग कंट्रीज को भी ध्यान देना है, एशियन, अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज हैं, इनमें जापान और सिंगापुर अलग से खड़े होते हैं एशियन कंट्रीज में। आजकल सऊदी अरब भी अपने डेवलप्ड होने की चमक दमक दिखाने के फिराक में है, और अफ्रीकन राष्ट्रों, दक्षिण अफ्रीका बाकी राष्ट्रों से काफ़ी आगे सोच रखता है। भारत में भी ये बात विशेष ध्यान देने की है कि सड़कों पर लोग सुरक्षित रूप से चल सकें, इसके लिए मिल्ड स्पीड यानी एक सामान्य स्तर की गति भी, तेज़ गति वाली सड़कें अलग होती हैं जहां बसों की और दूसरे वाहनों की हर जगह से एंट्री नहीं होती, वो सड़क अलग हैं और उनका ढंग भी अलग है, वहाँ चला जा सकता है। परंतु आम जो छोटे छोटे शहरों को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं, जो ज़मीनी सतह से ऊपर उठी नहीं हैं, इनकी गति को इंटरसेप्टर द्वारा किसी का चालान काटने की जरूरत नहीं है। सामान्य सी बात है कि बहुत कम गति यानी 60 की स्पीड भी काफ़ी होती है कारों के लिए, 60-70। इससे तेज़ गति मैं चलते हुए जब भी कोई सामने साधन आता है तो ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी जान गांव बैठता है, दूसरों की लेने के साथ साथ स्वयं के गांव बैठता है, और सड़कों पर एक बड़ा दर्दनाक दृश्य देखने को मिलता है। तो ये सभी सुनिश्चित करें कि इन सड़कों पर ज़्यादा तेज़ गति से ना दौड़ें, और सभी ये ऑल गवर्नमेंट्स जो हैं वो भी ये इंश्योर करें कि लोगों की मोबिलिटी अननेसेसरी इतनी ना बढ़े। यहाँ पदस्थापन का मामला मैं देख रहा हूँ, पोस्टिंग का, लोगों को ज़बरदस्ती दौड़ाया जा रहा है। एक मजदूर ने कहा था, झारखंड राज्य के ने, कि उत्तर प्रदेश वाले हमारे यहाँ हैं, हम यहाँ उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, पूंजीपतियों को खुश करने के लिए इस तरह की नीतियों छूट दी गई कि उन्होंने स्थानीय लोगों को नहीं रखा। ये ठीक नहीं है, स्थानीय लोग काम करते हैं और दूसरी प्रकार की सेवा भी कर रहे हैं। तो राज्य सरकार आजकल ये अभियान चलाया हुआ है, वैसे ये निश्चित करें कि छोटी नहीं, ज़्यादातर जो नौकरियां हो घर के नज़दीक ही हों, अनावश्यक रूप से भगदड़ न कराएं, उस होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग भी की जाएगी, वहाँ भी की जाएगी। ये बेकार की बातें, एक प्रकार से जनता को परेशान करने वाली बातें से कुछ नहीं, और इसे सड़कों में मूवमेंट बढ़ता है, दूर दराज लोगों फेंक देना जिससे घर से आना जाना छुट्टियों के दौरान, तो इस तरह बेकार की भीड़ न बढ़ाई जाए। आवारा पशुओं को अपनी गौशालाओं, अब गौशालाओं में बार बार करूँ वही बात फैला जाती है, भारत में तो गौशाला एक बहुत अच्छा साधन है सड़कों से आवारा पशु हटाने का। मैंने पहले भी कहा था, सभी नेता, अभिनेता और प्रशासनिक अधिकारी भाषणबाजी और सुझावों के स्थान पर गौशालाओं को प्रबंधन सुनिश्चित चलाने के लिए धन में सहयोग कर दें। टाटा बिरला, डालमिया, जितने भी नाम चलते हैं, बजाज, मजाज, जो भी जितने भी हैं, ये सब भैया जो प्रेम जी, अजीम प्रेम जी, सुप्रिया प्रेम जी, सुष्मिता सेन, ललित मोदी, मोहन मोदी, जितने भी हैं ये मोदी बंधु, और कर्नाटक में जहाँ जाकर रेड्डी बंधु, या बंधुओं की भीड़ है और धन बह रहा है, तो गौशालाओं की तरफ चले हैं और गौशालाओं सशक्त करने के लिए हमने नेशनल गौशाला बनाने पर जो अभियान चलाया था कुहाड़वास में, वहाँ वेट भी कर रहे हैं कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा धन लेकर आए, हम भी लगाने को तैयार खड़े हैं। वहाँ एक सिस्टम डेवलप किया जाए, गौशालाओं को दूध
दही की गोश एक प्रकार से नदी बनाने पर प्रयास किया जाए, तभी कुछ बात बन पाई। और पशु हटे साधारण गति से चलें, 60 से 70 किलोमीटर गति से, और टर्न करते समय इधर उधर देखें। आजकल सड़कों भीड़ है, ये 2-3 कारण हैं कि धीमी गति से चलना और पशुओं को हटाना। और जब आप अपने टायर इधर से उधर एंगल को 1 डिग्री घुमाएं तो आप देखें पीछे से कोई तेज गति से वाहन ना आ रहा हो। कई बार आपकी मानसिक उपस्थिति किसी और भी बिंदु पर होती है और आप गलती कर बैठते हैं। तो इन 3-4 बातों का ध्यान रखते हुए शांति से और सड़कों को सुरक्षित बनाने में सभी नागरिक सहयोग करें। और सरकारों को हम कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा धन खर्च करने की ज़रूरत नहीं है कागजों में विज्ञापन द्वारा दीवाने गंदी करने की, सड़क सुरक्षा के लिए हम मुफ्त में इस अभियान को जोर शोर से जनता से अपील और प्रार्थना करते रहेंगे। और हमारी भी प्रार्थना जनता देश फिर समझेगी। धन्यवाद।